ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिक स्मार्ट क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम के बारे में, तो आज हम देखेंगे कि सेल वॉल मीन्स यानी कि प्लास्टिड के बारे में देखेंगे और सेल वॉल के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल होता है जो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो ये प्लास्टिड को कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक कलर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेटिक प्लास्टिक माने इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय प्लांट, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज टेक्स प्लेस बाय क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्लास्टिड। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज कॉल्ड कलर प्लास्टिड। आप लोग सब देखेंगे डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो ये इनके कलर ये क्रोमोप्लास्ट के चलते होता है। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज कॉल्ड डिपोजिटिंग प्लास्टिड। इसका मतलब क्या होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ डिपोजिट होता है, जैसे कि प्लांट के फूड इसमें डिपोजिट होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो पहले एक सुपरफिशियल आइडिया मैंने दे दिया आपको, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए प्लास्टिड, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल डिस्कवर्ड बाय हेकेल इन 1866। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। तो चलिए देखते हैं वो थ्री टाइप क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड। ओके चलिए। इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन द अपर सर्फेस ऑफ द लीप। हमारा लीप जो होता है, लीप के दो सर्फेस होते हैं, एक अपर एक लोअर। अपर सर्फेस ज्यादा ग्रीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके नीचे में थोड़ा ज्यादा ग्रीनिश नहीं होता है, उसमें एक स्मॉल पोर होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमाटा, जिसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है। रेस्पिरेशन तो जानते ही होंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ट्रांसपिरेशन मतलब जैसे प्लांट अपना एक्सेस वाटर वेपर के जरिए बाहर निकाल देता है, जिसे बोलते हैं हमारा ट्रांसपिरेशन, जो वो स्मॉल ओपनिंग के जरिए होता है जिसे बोलते हैं स्टोमाटा। क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट नॉन एज क्लोरोफिल। अब हम देखते हैं इसके डिटेल स्ट्रक्चर, हम लोग यहाँ पर बाद में आएंगे, सबसे पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अभी ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग। तो देखिए ये है उसका आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। ओके, और इसके भीतर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। समझ में आया। अब देखिए हमारा जो इसके इनर मेम्ब्रेन के जो भीतर फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। समझ में आ रहा, जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। ये देखिए मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, ये देखिए ये जो फ्लूइड रहता है ना इसे बोलते हैं स्ट्रोमा, मैट्रिक्स और एक्वास फ्लूइड बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारा जो ग्रीन ग्रीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये डिस्क जैसे कि मान लीजिए हम कॉइन्स रखेंगे, इसे एक कॉइन 10 रुपीज का कॉइन रखेंगे, उसके ऊपर और एक कॉइन, उसके ऊपर और एक कॉइन, तो दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग ऑफ द कॉइन। और ये इंडिविजुअल कॉइन को बोला जाता है थाइलाकॉइड, और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रानम। ग्रानम इज सिंगुलर एंड ग्राना इज प्लूरल। समझ में आ गया। अब देखिए हमारा ये फिगर में से पता चल रहा है, देखिए ये जो राउंडिंग किया गया है, ये ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड है इंडिविजुअल, देखिए थाइलाकॉइड, और जो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड व्हाट ग्रानम, एंड प्लूरल होता है इसका ग्राना। उसके बाद देखिए दो ग्रानम को कनेक्ट करने वाली जो लेयर है इसे बोलते हैं लामेला। तो समझ में आ गया। अब देखिए हमारा ये थाइलाकॉइड में ही हमारा फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मेन मकसद होता है एटीपी प्रोड्यूस करना, और डार्क रिएक्शन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट की निर्माण किया जाता है, और जो लाइट रिएक्शन में एटीपी हमारा प्रोड्यूस हुआ रहता है उसे यूज किया जाता है।
तो दिस इज द मेन मीन सुपरफिशियल आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो हमारा प्रेजेंट रहता है थाइलाकोइड में। समझ में आ गया? तो दिस इज द थिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब चलते हैं आगे, देखिए अब ये चीज यहां लिखा गया, इट हैज स्टॉक ऑफ कॉइंस कॉल्ड ग्रानम एंड इंडिविजुअल कॉइंस शेप्ड थिंग्स आर कॉल्ड थाइलाकोइड्स एंड ईच ग्रानम कंटेन्स 20-25 थाइलाकोइड्स एंड थाइलाकोइड कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब चलते हैं आगे, और एक प्लास्टिक को हम देखेंगे। देखिए सेकेंड प्लास्टिक का नाम होता है क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्रोमोप्लास्ट इज कॉल्ड कलर्ड प्लास्टिड और कलर ऑर्गेनेल मेनली फाउंड इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो देखिए हमारा फ्लावर्स क्यों कलर्ड होते हैं, बिकॉज ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एनिमल्स में वो मूव कर सकते हैं इसलिए उनका रिप्रोडक्शन बहुत ईजी होता है, लेकिन प्लांट हायर प्लांट कैन नॉट मूव, तो उनका रिप्रोडक्शन वो लोग खुद नहीं करते हैं, किसी एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नो डाउट कि उनका सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड स्टामेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड हमारा कार्पेल और पिस्टिल। तो ये स्टामेन में उनका एक डस्ट की तरह होता है जिसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो ये फीमेल फ्लावर में जाना जरूरी है क्योंकि जब जाएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम। तो ये एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे विंड हुआ, इंसेक्ट हुआ, वाटर हुआ, ये सब के ऊपर वो लोग डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूल फ्लावर्स एक कलर बहुत सुंदर कलर जैसे होगा तो हम लोग भी तो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसे, मतलब देखने के लिए या फिर उसे छूने के लिए। उसी तरह से इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होकर के कलर चीज के लिए अट्रैक्ट होकर के वो लोग क्या करते हैं ना, फूल के ऊपर जाकर बैठते हैं। और फूल में मतलब फ्लावर्स में और एक चीज होता है जिसे बोलते हैं नेक्टर। दिस इज द रॉ प्रोडक्ट ऑफ हनी। तो ये हमारा नेक्टर खाने के लिए और फूल के डिफरेंट कलर से अट्रैक्ट होकर के उसके ऊपर बैठते हैं। तो जैसे बैठते हैं मान लीजिए मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर बैठ गए तो उसके स्टामन में जो पोलन ग्रेन है वो इंसेक्ट के बॉडी में लग जाएंगे। फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर बैठेंगे, वहां भी नेक्टर होता है, तो वो पोलन ग्रेन आकर के कार्पेल और पिस्टिल के ऊपर आ जाएगा और फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद सीड होगा। तो सीड मतलब सीड लगाने से हमारा पेड़ होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि द कलरफुल पेटल्स, पेटल्स का मतलब होता है जैसे मान लीजिए फूल का जो पंखुड़ियां को पेटल्स बोलते हैं। द कलरफुल पेटल्स इज मेनली मीन्ट फॉर व्हाट? मेनली मीन्ट फॉर पोलिनेशन। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से फ्रूट के भी डिफरेंट कलर होते हैं। तो अब देखिए फ्रूट का डिफरेंट कलर होना भी एक बहुत अच्छी बात है। डिफरेंट कलर से हमें अट्रैक्ट होता है, अदर एनिमल्स को अट्रैक्टिव लगता है तो वो जा करके उसे खाते हैं। तो खाने के बाद फ्रूट्स तो खा लिए, उसके बाद उसके जो बीज होता है यानी कि सीड होता है वो जमीन में डाल दिए तो वो जर्मिनेट होकर के प्लांट में कन्वर्ट होता है। इस तरह से देखिए एक ओल्ड प्लांट अपना इंडिविजुअल को मतलब जो बच्चे जो प्लांट सीड, तो इसके जरिए उनका जो वंश का विस्तार भी हो रहा है बाई द डिफरेंट एजेंट। तो यही कलरफुल होने का यही कारण है जो कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन ना, क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ गया? चलते हैं अब आगे। देखिए अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट देखिए इट इज एन ऑर्गेनेल मेनली स्टोरेज इन फंक्शन। मैं आपको बता चुका हूं कि ल्यूकोप्लास्ट इज मीन्ट फॉर स्टोरेज। अब देखिए इसमें क्या क्या स्टोरेज होता है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। क्या क्या ना, पहला होता है एमाइलोप्लास्ट दैट स्टोर स्टार्च। आप लोग देखे हैं, कभी देखे होंगे बॉयल्ड आलू, उसको मास्क कीजिए हाथ चिपचिप चिपचिप होता है गोंद की तरह। तो वो जो गोंद होता है वो गोंद नथिंग बट दैट इज कॉल्ड स्टार्च। समझ में आया? तो स्टार्च एग्जाम में आप लोग को पूछ चुका है, अभी भी पूछ सकता है आप अपकमिंग एग्जाम में कि स्टार्च स्टोर इन व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट। उसके बाद देखिए एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट वेयर फैट स्टोर होता है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि फैट क्या होता है भाई, ये तो चर्बी उर्बी की चीज है। नहीं देखिए जो चर्बी, इट इज ए पार्ट ऑफ फैट, ये सैचुरेटेड फैट होता है। फैट दो तरह के होता है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब एनी एडिबल ऑयल,
दैट इज कॉल्ड आवर अनसैचुरेटेड फैट। ओके, जैसे कि मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल, तो कहां से निकला है? मस्टर्ड में। तो मस्टर्ड में वो ऑयल कहां स्टोर होकर रहता है? ना एलायोप्लास्ट में। समझ में आ गया? अब देखिए प्रोटीनोप्लास्ट और एलेरोनप्लास्ट, ये होता है क्या ना, ये टाइप ऑफ लिक्विड प्लास्ट व्हिच स्टोर प्रोटीन, जो कि हमारा प्रोटीन स्टोर करता है। हम लोग जो दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन कहां स्टोर होता है? ना प्रोटीनोप्लास्ट और एलेरोनप्लास्ट। तो आई थिंक प्लास्टिड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। मैं आप लोग को बता चुका हूं कि हम लोग आज दो सेल ऑर्गेनल डिस्कशन करेंगे, एक प्लास्टिड हो गया, अब चलते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो देखिए ये सेल वॉल भी केवल प्लांट में होता है, कुछ फंगस में होता है और हमारा बैक्टीरिया में होता है, लेकिन एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है। अब देखिए ये सेल वॉल तीन लेयर का होता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले ये डिस्कवर किया था। तो देखिए अभी हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये मैं आपको अपने हाथ से ही इसके कैसी तरह किस तरह से ये ट्राई लेयर होता है वो आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेल प्लांट सेल बनाता हूँ। ये देखिए दिस इज ए प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल का ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक सेल है, ये देखिए ये और एक सेल मैं इस तरह से बना रहा हूं, ये और एक सेल है प्लांट सेल। प्लांट सेल हमेशा रेक्टेंगल होता है। अब देखिए इसी प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटर लेयर को ही सेल वॉल बोलते हैं, और सेल वॉल इज ऑलवेज ट्राई लेयर। तो देखिए ये सब सेल वॉल का सबसे पहला लेयर, ये एक लेयर हो गया। अब देखिए इसके भी यही लेयर होता है, ये देखिए ये भी एक लेयर हो गया। तो ये होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, उसके बाद उससे लगकर ये देखिए उसके आउटर में प्राइमरी सेल वॉल होता है। ये देखिए ये होता है आपका प्राइमरी सेल वॉल। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। ओके, अब देखिए फाइनली क्या होता है ना, ये देखिए इसको बोलते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। दिस इज कॉल्ड मिडिल लामेला। तो अब देखिए हमारा ये सेल वॉल हो गया, सेल वॉल इज ट्राई लेयर। देखिए दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद देखिए प्राइमरी सेल वॉल का फिर आगे हम जाएंगे तो मिडिल लामेला। तो सेल वॉल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गया, मिडिल लामेला। अब क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सेल मिडिल लामेला इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल लामेला? इसका रीजन ये है क्योंकि इस सेल के लिए भी आउटर मोस्ट लेयर यही है और इस सेल के लिए भी आउटर मोस्ट लेयर यही है, इसलिए मैंने दो सेल बनाया। तो अब देखिए ये जो मिडिल लामेला, ये दोनों दो सेल के बीच में होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल लामेला। तो माइंड इट, ये केवल सेल के सरफेस में ही होता है। जैसे कि मान लीजिए ये इसके लग यहाँ पर लग के और एक सेल होगा, तो यहाँ पर इस तरह से मिडिल में मिडिल लामेला होगा, यहाँ लग के और एक सेल होगा, यहाँ पर मिडिल लामेला होगा, यहाँ लग के और एक सेल होगा, इसे भी मिडिल लामेला, लेकिन ये सेल के आगे तरफ नहीं होता है, ये सिर्फ साइड वाइज में रहता है, इसलिए कि दो सेल के बीच में होता है ऑलवेज, इसलिए इसे मिडिल लामेला बोला जाता है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं रेडीमेड फिगर नहीं आप लोगों को खुद हाथ से बना के दिखाया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली। ओके, अब देखिए हमारा आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि व्हिच लेयर ऑफ द सेल वॉल नियरेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए तो आप लोग कौन सा लेयर नियरेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, दैट इज कॉल्ड आवर सेकेंडरी सेल वॉल। व्हिच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड मिडिल लामेला। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल. ऑप्शंस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला. तब आप लोग बताइए, सेम मिडिल लैमेला होगा क्योंकि पूरे सेल का भी आउटर मोस्ट लेयर वही मिडिल लैमेला हुआ. तो इस तरह से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. तो अब देखिए, चलते हैं हम थ्योरी की तरफ. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक 1665. देखिए, सबसे पहले हमारा जो सेल की डिस्कवर किया गया था तो ये महान साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने ही किया था. लेकिन वो सेल डेड था. क्यों? वो कॉर्क सेल में देखे थे. तो कॉर्क सेल में उन्हें एक ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिला था, तो जिनका नाम वो दिए थे सेल. सेल का मतलब होता है रूम, स्मॉल रूम. ओके, तो ये एक्चुअली कॉर्क सेल डेड सेल था. तो आप लोग बताइए, कॉर्क सेल कहाँ से मिलता है? कॉर्क से. कॉर्क इज ए प्लांट प्रोडक्ट. तो अल्टीमेटली वो प्लांट सेल डिस्कवर किए थे, तो इसका मतलब सेल वाल भी उन्होंने ही डिस्कवर किया. समझ में आया? ये अनजाने में हुआ है. अब देखिए, इट इज ए ट्राई लेयर. पहला होता है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल और इंटायर सेल. ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. याद रखिए, हमारा सेल वॉल जो प्लांट का, हायर प्लांट का होता है, वो किससे बना होता है? सेलुलोज. ये एक पॉलीसैकेराइड है. समझ में, कार्बोहाइड्रेट है बोलने का मतलब. उसके बाद ये किस में होता है ना? प्लांट में. लेकिन बैक्टीरिया में भी, मैं बताया आप लोगों को, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, लेकिन वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन. तो आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द कॉम्पोजिशन और द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ व्हाट. अब भूल सभी मत लिख लीजिएगा कि सेलुलोज क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन. उसी तरह से फंगस में जो सेल वॉल होता है, फंगस में भी सेल वॉल अभी मैं बता चुका हूँ आप लोग को, वो किसके बना रहता है? ना चाइटिन के बना रहता है. ये डाटा आपको एकदम याद रखना है. समझ में आया? क्वेश्चन आएगा कि द सेल वॉल ऑफ द फंगी इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन, चाइटिन, नॉन ऑफ द. तो आंसर इज चाइटिन. क्लियर? उस तरह से क्वेश्चन आएगा, सेल वॉल ऑफ द हायर प्लांट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज कॉल्ड आपका सेलुलोज. समझ में आया? उसी तरह से सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ व्हाट इज दैट? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन. तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल वॉल. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ सेल ऑर्गन लेकर आएंगे. आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू.